इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में टाटा ग्रुप की शुरुआत कुछ ऐसे समय पे हुई है जब 100 साल पुरानी ये कंपनी अपने डिजिटल फुटप्रिंट को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। क्या ये गूगली युवा पीढ़ी को चौंकाने के लिए है? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं सौरभ भोसले, बीटीटी यानी बिहाइंड द टेल्स में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी है, पर टाटा ग्रुप ने चाइनीज फोन मेकर कंपनी वीवो को टाइटल स्पॉन्सरशिप के रेस से बाहर कर दिया। टाटा ग्रुप ने इस साल और अगले साल के लिए भी टाइटल स्पॉन्सरशिप अपने हाथ में रखी है। इसके लिए उन्होंने बीसीसीआई को 670 करोड़ रुपए दिए। आईपीएल की इस डील को एक फेस सेवर की तरह भी देखा जा सकता है। 2020 में लद्दाख की गलवान वैली में इंडियन और चाइनीज आर्मीज की क्लैशेस के बाद बीसीसीआई को काफी बैकलैश झेलना पड़ा था एक चाइनीज कंपनी को टाइटल स्पॉन्सर के रूप में रखने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि वीवो ने 2020 के स्पॉन्सरशिप डील से खुद को बाहर कर लिया, जिससे होम ग्रोन इंडियन स्टार्टअप ड्रीम इलेवन के लिए रास्ता बन गया। और जब वीवो 2021 सीजन में टाइटल स्पॉन्सर रूप में लौटा तो इस चाइनीज कंपनी के सौदे से बाहर निकलने और अपने टाइटल स्पॉन्सरशिप को ट्रांसफर करने की खबरें थी। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह कहते हैं, ये वास्तव में बीसीसीआई और आईपीएल के लिए एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन है, क्योंकि टाटा ग्रुप एक ऐसी कंपनी है जिसकी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी लेगेसी है और ये 100 से भी ज्यादा देशों में ऑपरेट करने के साथ साथ भारतीय उद्यम का प्रतीक भी है। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की वजह से वीवो बीसीसीआई को 454 करोड़ का भुगतान देगा, लेकिन टाटा ग्रुप जैसे वेल नोन कंपनी जिसका बहुत ही बड़ा लॉयल कस्टमर बेस है, उसको आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप से क्या फायदा होगा? ये स्पॉन्सरशिप डील की न्यूज ऐसे टाइम पे आई है जब टाटा अपना सुपर ऐप टाटा न्यू के लॉन्च की तरफ बढ़ रहा है। ये ऐप ऑनलाइन ग्रोसरी बिग बास्केट, ऑनलाइन फार्मेसी 1MG, ई कॉमर्स टाटा क्लिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स क्रोमा, फैशन रिटेल वेबसाइट और भी बहुत सारे टाटा के कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस को एक साथ करेगा। शायद इस ऐप से यूजर्स टाटा के होटल्स जैसे कि ताज और विवांता में रूम्स और एयर इंडिया की टिकट्स भी बुक कर पाएंगे। इस ऐप में डिजिटली पेमेंट करना भी पॉसिबल होगा। इस ऐप को फिलहाल उनके एम्प्लॉयज के बीच में टेस्ट किया जा रहा है और 7 अप्रैल को मोस्ट प्रोबेबली ये ऐप लॉन्च किया जाएगा। आईपीएल 2020 में लगभग 400 बिलियन और 2021 से पहले मैच में ही 10 बिलियन टोटल व्यूइंग मिनट्स के साथ ये T20 क्रिकेट लीग के इजीली सबसे बड़ा स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी है एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सर्स के लिए, और स्पॉन्सर्स को ब्रांड रिकॉल बढ़ाने में इससे काफी सफलता मिली है। आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम इलेवन ने टूर्नामेंट के दौरान 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स क्रॉस कर लिए थे। 2019 की कंपैरिजन में फाइनल मैच के दौरान ट्रैफिक में 44.4% का सर्ज देखने मिला। MPL जो IPL टीम KKR और RCB के स्पॉन्सर्स है, 2020 में 40 मिलियन यूजर्स के साथ शुरू किया था लेकिन 70 मिलियन यूजर्स के साथ खत्म किया। इनफैक्ट स्पोर्ट्स से दूर रहने वाली कंपनीज जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्टार्टअप 9 जो राजस्थान रॉयल्स की प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स थी, उन्होंने आईपीएल 2020 के बाद मंथली सेल्स 14 करोड़ रुपीस से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपीस कर दिए। भारत में क्रिप्टो करेंसी अपनाने में भी उछाल आया, क्योंकि कॉइन DCX और कॉइन स्विच कुबेर जैसी कंपनीज आईपीएल 2021 के स्पॉन्सर्स बन गए। टाटा ई कॉमर्स दिग्गज अमेजोन और रिलायंस को चुनौती देने के लिए तैयार है। आईपीएल जैसे हाई इंपैक्ट ब्रॉडकास्ट प्रॉपर्टी के साथ जुड़ने की वजह से टाटा को एक बहुत ही सॉलिड बूस्ट मिलेगा इस ऐप को लॉन्च करने के लिए, और शायद उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी भी यही है, इसीलिए उन्होंने इस बार के आईपीएल को टाइटल स्पॉन्सरशिप दी है। T20 फॉर्मेट में बॉलर और बैट्समैन से ज्यादा ऑलराउंडर की डिमांड होती है। टाटा का ये ऐप भी उनके लिए ऑलराउंडर ही साबित होने वाला है। हमारा चैनल भी कुछ इस तरह ही है, ऑलराउंडर, जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। आपको हमारे वीडियोस देखते रहने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और इस वीडियो को आईपीएल फैंस के साथ शेयर करना है। धन्यवाद।